उन्होंने पहले दिन ही 500 किया था उनको तो मारने का दिल कर रहा था एक दो तो ही लड़कियां जो मेसी के फैन है रोनाल्डो के बहुत ज्यादा फैंस है हमारी टीम में तो तो काफ़ी सबका दिल टूटा था एक इंग्लैंड ऐसी टीम है जो डिफरेंट क्रिकेट खेल रही है और मेरे ख्याल से उनको क्रेडिट देना चाहिए कि हम खुद भी दुख में है कि हम फिनिश नहीं कर पाए लेकिन हम अपनी तरीके से क्रिकेट खेलेंगे क्रिकेट की बहुत सारी बात हो गई फुटबॉल वर्ल्ड कप भी चल रहा है जो पाकिस्तान टीम आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं और जब इंग्लैंड सेमीफाइनल खेल रहा था तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम यहाँ पर थी तो क्या सात मैच देखा आप लोगों ने इन्जॉय किया नहीं सर सात दिल नहीं कर रहा जब उन्होंने पहले दिन ही 500 किया था उनको तो मारने का दिल कर रहा था देखने का तो उनके साथ नहीं दिल कर रहा था लेकिन जी बिल्कुल फ़ुटबॉल फ़ैन ज़रूर है हमारे काफ़ी मोस्टली क्योंकि रोनाल्डो के बहुत ज़्यादा फैंस हैं हमारी टीम में तो तो काफ़ी सबका दिल टूटा था तो एक दो ही लड़के हैं जो मेसी के फ़ैन हैं तो जो वो बात भी नहीं करते हमारे सामने क्योंकि मेजोरिटी रोनाल्डो के फ़ैन ज़्यादा हैं लेकिन अच्छा वर्ल्ड कप हो रहा है हम ज़रूर फॉलो कर रहे हैं देख में मैसी वैसे कि मेरे ख्याल से एक दो प्लेयर्स हैं मेरे ख्याल से सलमान uh, सऊद शकील है शायद और uh, मुझे और इसके अलावा नहीं लग रहा बाकी सब रोनाडो के फ़ैंस हैं तो वो जब हायर हुआ था तो बिल्कुल एज़ अ स्पोर्ट्स मैन काफ़ी कुछ ने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है और उसके बाद वो एंडिंग हो नहीं सकी तो ज़रूर दुख में जरूर थे लेकिन इन्जॉय फॉलो ज़रूर कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट जब अच्छी कंडीशन होती हैं तो कभी भी डाई नहीं होती और अगर आप देखें तो इंग्लैंड एक वाद ऐसा कंट्री है इसमें अगर आप देखें मार्च में ऑस्ट्रेलिया भी खेल के गई है उनका समटाइम्स हमारे से भी ज़्यादा लो रन रेट था इंग्लैंड ऐसी टीम है जो डिफरेंट क्रिकेट खेल रही है और मेरे ख्याल से उनको क्रेडिट देना चाहिए बाकी जहां तक बात रही टी प्लेयर्स की वो मेरे ख्याल से कप्तान और चेयरमैन की जो डिसीजन है वो उन्होंने करना है हमारा काम है तो क्रिकेट खेलना है हम हमेशा अपने तरीके से ही खेलेंगे इन दी एंड इट मैटर्स कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो अगर हम हार रहे हैं तो वो हम अपनी गलतियों से हार रहे हैं हम इसलिए नहीं हार रहे कि इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल रही है हम अपनी गलतियों से हार रहे हैं और अगर आप देखें जो रूट की कप्तानी में इंग्लैंड ने बहुत स्ट्रगल किया है इस वजह से उनका पोजीशन छठे सातवें पे वो नंबर वन पे नहीं है इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैम्प में तो वो भी क्वालिफाई नहीं किए लेकिन उन्होंने अपना स्टाइल चेंज किया है अब वो कब तक उनका चल रहा है ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा जब ये दूसरे मुल्कों में जाके अभी एशेज आएगी कैसे खेलेंगे उनका स्टार्ट है और उनको क्रेडिट देना चाहिए अच्छा खेल रहे हैं लेकिन हम अपनी तरीके से क्रिकेट खेलेंगे क्योंकि हमें हमें पता है कि हम कैसे जीत सकते हैं लेकिन गलतियां अगर करेंगे तो कहीं भी नहीं जीत जाएँगे जो मर्ज़ी आप जिस तरह भी खेल लें इधर वेदर थोड़ा सा गर्म है एज़ कम्पेयर टू मुल्तान और पिंडी दोनों जगह ठंड थी तो वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है लेकिन क्योंकि लड़के खेलते हुए आ रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि वो हमारे मुल्क में हम तो एडजस्ट कर ही लेंगे इसका कोई मसला नहीं है टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेकिन विकेट आ, सेम लाइक थोड़ी सी जो जितना मुझे एक्सपीरियंस जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुल्तान वाली लुक दे रहा है विकेट और लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो हो गया उस पर हम बात नहीं करें जो एक दफ़ा बात हो गई वो हो गई हमें आगे मूव ऑफ़ करना एक अच्छी टीम्स की निशानी होती है ये कि अगर जो हो गया उस पर बात करें उसकी अपनी गलतियों से सीखें और आगे मूव ऑन करें इन पूरी कोशिश है कि, कि कराची टेस्ट में जैसे मैंने अभी मैंशन किया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे एक और दो टेस्ट मैचेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो उसका बहुत दारोमदार इस मैच पर होगा तो हमारा पूरा फोकस है कि हम जो गलतियाँ जिससे हम कह रहे हैं कि हम खुद भी दुख में हैं कि हम फिनिश नहीं कर पाए ऐसे पॉकेट्स में थे हमारे दो मैच हम जीत सकते थे नहीं कर पाए तो उस पर बात जरूर हुई है और कोशिश करेंगे कि उसको फिनिश करें तो ये विकेट जैसे मैंने आपको बताया मुझे थोड़ा सा सिमिलर ही लग रहा है जिस तरह मुल्तान में था क्योंकि आ, काफी रफ पैचेस थोड़े से नजर आ रहे हैं और काफी जो है बिल्कुल साफ है तो मुझे ऐसा लगता है कि टर्न तो जैसा मुल्तान में हुआ था वैसा ही होगा ऑब्वियसली हमारी बैटिंग मुझे ऐसा लगता है ज्यादा स्ट्रेंथ है और इसी वजह से एज अ बैट्समैन मैं उसको जरूर एडमायर करूँगा कि हमें वैसी हमने क्रिकेट नहीं के लिए जिस तरह हम, मुझे हमें पहले टेस्ट मैच में भी थी कि कुछ मैं 48 पे आउट हुआ सेकंड इनिंग्स में उसको लंबा होना चाहिए था 60 पे आउट हुआ कुछ स्टार्ट्स थे जो हम कर नहीं पाए तो इसमें देखें क्रिटिसिज्म पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ वेरी गुड और होना भी चाहिए तो ज़रूर मैं इस इसमें बैटिंग को जरूर बोलूंगा कि हमारे बैट्समैन को और रिस्पॉसिबिलिटी लेनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मैचेस में चेज़ हो जाना चाहिए था लेकिन वो हमारी गलती है और उस पर पूरी कोशिश है कि बात हो और इनशाला अच्छे रिजल्ट आए